असलम व्यूअर्स मैं हूँ फिज़ा और ये है मेरा चैनल खाना पकाना एंड व्लॉग्स आज मैं आपके लिए एक डिफ़रेंट से केक की रेसिपी लाई हूँ केक आपने हमेशा बनाया होगा और उसमें अंडे भी ज़रूर डाले होंगे तो ये जो केक है ये एगलेस केक है इसमें हम अंडे नहीं डालेंगे और उसका टेस्ट आपको पता चलेगा कि बहुत ज़बरदस्त आपका केक बना है बिल्कुल सॉफ्ट कोई हार्ड नहीं होगा बहुत अच्छा केक बनेगा तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि मैंने ये केक कैसे बनाया फिर वे सबसे पहले मैंने एक बड़ा आम ले लिया है एक बड़ा आम लेके मैं इसे छील के रफली क्यूब्स में काट लूँगी और क्यूब्स में डालने के बाद क्यूब्स में काटने के बाद आपने क्या करना है इसकी प्यूरी बना लेनी है इसे आप आ, ब्लेंडर में डालें और ब्लेंड कर लें ये देखिए व्यूअर्स मैंने इसको ब्लेंड कर लिया है और ब्लेंड करने के बाद अब मैं आपको बताऊंगी कि आगे क्या करना है एक पैन लें आप और पैन में अपनी मैंगो प्यूरी डालें और आंच आप हल्की रखिएगा इसके साथ मैंने तकरीबन आधा कप जो है चीनी शामिल की है और इसे मैं मीडियम आंच पर आहिस्ता आहिस्ता पकाऊंगी ताकि जो चीनी है वो अच्छे से पिघल जाए और जो मैंगो प्यूरी है वो भी नीचे ना लगे ये देखिए व्यूअर्स इसका हमने एक गाढ़ा सा पेस्ट तैयार कर लेना बहुत थिक आपने पेस्ट रखना है इसका क्योंकि हमने इसे आगे जा जिस तरह यूज़ करना है ये इतना गाढ़ा हमें चाहिए अब दूसरी तरफ तकरीबन वन फोर्थ कप मैंने ऑयल लिया है मेजरमेंट का आप ध्यान रखिएगा क्योंकि बेकिंग में मेजरमेंट ही सबसे ज़्यादा अहम होती है पाउडर्ड शुगर लेनी है आपने यहाँ पर साबत चीनी नहीं लेनी है आपने पाउडर पाउडर आपने शुगर लेनी है तकरीबन आधा कप जिस कप से आपने ऑयल डाला है आपने उसी कप से चीनी डालनी है मेजरमेंट के लिए आपने जो कप है वो एक ही रखना है जैसे ही ऑयल और चीनी मिक्स हो जाएगी आपने तकरीबन डेढ़ कप मैदा छान कर डालना है अगर आप मैदा छान कर डालेंगे तो आपका जो केक है वो ज़्यादा अच्छा बनेगा और वैसे भी केक में हमेशा जो मैदा है वो छान कर ही डाला जाए तो केक अच्छा बनता है अब व्यूअर्स आपने क्या करना है इसे आपने मिक्स कर लेना है चीनी ऑयल और जो मैदा है वो अच्छे से मिक्स हो जाए और इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद आपने तकरीबन डेढ़ छोटे चम्मच आपने 1.5 टीस्पून आपने बेकिंग पाउडर इसमें ऐड करना है और फिर उसे दोबारा से अच्छे से मिक्स करना है और इन सब चीज़ों को मिक्स करने के बाद आपने व्यूअर्स क्या करना है ये देखिए मैं तकरीबन एक कप दूध ले रही हूँ रूम टम्परेचर पे दूध ना ज़्यादा ठंडा हो ना ज़्यादा गर्म हो बिल्कुल नॉर्मल आपने लेना है और आ, और मैं इसे अब आहिस्ता आहिस्ता डालती जाऊँगी और आहिस्ता आहिस्ता से आ, जो मिक्सचर है वो तैयार करती जाऊँगी एकदम से अगर आप दूध डालेंगे तो वो ठीक नहीं रहेगा थोड़ा थोड़ा सा करके दूध को डालना चाहिए और ये मैं थोड़ा थोड़ा करके डाल रही हूँ आप देखें आहिस्ता आहिस्ता जो इसका मिक्सचर है वो तैयार होता जा रहा है और मैं इसे तब तक अच्छे से मिक्स करूँगी जब तक इसका ठीक सा पेस्ट तैयार नहीं हो जाता और इसमें कोई भी गुठलियाँ बिल्कुल नहीं होनी चाहिए ये देखिए कितना फ़ाइन सा मिक्सचर बना है अब जो मैंने वो मैंगो प्योरी की सॉस से बनाई थी तो वो मैं इसमें तकरीबन आधा कप शामिल कर दूँगी तकरीबन आधा कप इसमें वो शामिल करनी है और आपने इसे अच्छे से मिक्स करना है ये देखिए आपको मैं दिखाऊंगी जब इसे मिक्स करेंगे तो इसका कलर मैंगो की वजह से कितना ज़्यादा प्यारा आएगा ये देखें इसमें कोई भी मैंने येलो कलर ऐड नहीं किया ज़बरदस्त सा हमारा आया है ज़बरदस्त सा हमारा येलो कलर आया अब व्यूअर्स जैसे क्या करना है मोल्ड में डाल के आपने दो से तीन दफ़ा इसे इस तरह से आ, करना है ताकि इसमें अगर कोई एयर बबल बने तो वो ख़त्म हो जाए और हमारा जो केक है वो बिल्कुल परफेक्ट जो है वो फूलेगा भी और आ, कोई एयर बीच में नहीं रहेगी और केक मैंने मोल्ड में कैसे डाला इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और ऊपर दे रही हूँ और अब इसे मैं देखचे में करूँगी बेक और इसे देखचे को गर्म करने के बाद मैं इसे तकरीबन आधे घंटे के लिए रख दूंगी और व्यूअर्स मैंने दो तीन दफ़ा अपने चैनल पे केक सिखाए हैं अगर आप देखना चाहते हैं कि देखचे में कैसे केक बनाते हैं तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और ऊपर मैं दे रही हूँ तकरीबन आधे घंटे बाद ये देखिए मैंने जो अपना पतीला था उसे खोल के देखा केक बहुत अच्छे से बेक हो चुका है बहुत प्यारा येलो कलर ब्राउन कलर आया है इसका तो अब मोल्ड को जो है मैं बाहर निकाल के रख दूँगी थोड़ा सा ठंडा होगा तो केक को उससे निकाल लूँगी ये देखिए व्यर्ज मोल्ड से मैं केक निकाल चुकी हूँ बहुत सॉफ्ट सा केक बना है कोई हार्ड नहीं कोई भी इसमें कमी नहीं है बहुत ज़बरदस्त सा केक बना है तो अब इसे मैं करती हूँ डेकोरेट जो मैंने मैंगो प्यूरी की सॉस से बना के रखी हुई थी थिक सी सॉस बना के रखी हुई थी अब वो मैं इसके ऊपर लगाऊंगी ये देखिए व्यर्ज इस तरह मैंने लगाई है ये किसी भी चीज़ की मदद से आपके पास जो भी चीज़ अवेलेबल हो आप उससे इस को केक पर अच्छे से फैलाएं। बहुत ज़्यादा मोटी लेयर नहीं लगाइएगा वो अच्छी नहीं लगेगी तो इसको अच्छे से केक पर लगाने के बाद हमने क्या करना है आप लें क्रश की हुई चॉकलेट और वो केक के किनारों पे आप आराम से के एक सब किनारों पे आपने आराम से चॉकलेट जो क्रश की हुई है वो लगा देनी है चॉकलेट आप कोई भी ले सकते हैं आम जो बाज़ार से मिलती हैं उसे ला के आप क्रश कर लें और वो इसके ऊपर फैला दें आप देखिएगा कितनी प्यारी इसकी लुक आती है इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा और व्ययस इसके साथ साथ अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी है तो उसको लाइक जरूर कीजिएगा सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को और उसके साथ लगे बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा उसका फ़ायदा ये होगा कि आपको मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँगी आपको मिल जाएगा और आप मेरी वीडियो जल्दी से देख सकेंगे तो व्यूअर्स ये देखिए हमारा एक स्टेप तो हो चुका है पूरा जो चॉकलेट है वो आप देख रहे हैं कितने मज़े की लग रही है इसके ऊपर और हमारा ये केक जो है वह बहुत अच्छा बना है बहुत ज़बरदस्त बना है अंडों के बगैर बहुत परफेक्ट केक बना है आप देखेंगे कि ये कितना सॉफ्ट है और ये मैंने चेरी जो है वो रखी है इसके ऊपर इसको अच्छी सी लुक देने के लिए और हमारा जो केक है मैंगो एगलेस केक वो रेडी हो चुका है तो व्यूअर्स आज मुझे आज मेरी ये रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहता है इसके अलावा अगर आप कुछ और देखना चाहते हैं कोई और केक या कोई और रेसिपी कुछ भी अगर आप देखना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा मैं कोशिश करूँगी कि आपके लिए जल्दी से जल्द जल्द से जल्द वो रेसिपी बना सकूँ और मेरी आज की रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा आप सपोर्ट करेंगे तो ही मैं आगे मज़ीद रेसिपीज़ आपके लिए डाल सकूँगी तो आज के लिए इतना ही शुक्रिया